करनाल में नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली और इस दौरान सभी ने विकास के वादे भी किए। हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग ने जीते हुए नवनिर्वाचित सदस्यों से बातचीत की, सुनवाते हैं आपको भी। आज शपथ ग्रहण समारोह था और पंच सरपंच ब्लॉक समिति के मेंबर्स और जिला परिषद के जो मेंबर्स हैं उन्होंने शपथ ली है। सभी के चेहरे पर मुस्कान है और शपथ जिस कर्तव्य के साथ ली गई है उम्मीद है कि सभी उस पर खरा उतरेंगे। और हमारे साथ अलग अलग वार्ड के मेंबर मौजूद हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं सर क्या कुछ कहेंगे, कौन से वार्ड से आप हैं और क्या कुछ आप अपने वार्ड में विकास के काम करवाएंगे। मैं 19 वार्ड से विनोद कुमार कश्यप और मेरा गांव बरसत 10 पंचायत थी हमारी और मकसद हमारा 36 बरादरी के भाईचारे को साथ लेकर चलना है और मेरा प्रयास है सबका साथ और जिसने भी वोट दिया उसके साथ भी और जिसने नहीं दिया उनके भी विश्वास को जीतने की कोशिश रहेगी। और विकास की तो ये है जी, बातें बहुत सारी हैं वो हम समय समय पर तकरीबन आपके मीडिया के माध्यम से रखते रहेंगे, लेकिन मेरा सबसे फर्स्ट टाइम का जो सपना है वे गांव में 20 गांवों का सेंटर हमारा गांव, एक लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी भी हम मकसद है हमारा सबसे पहले शुरुआत करने का जी। उम्मीदें आपसे बहुत है पब्लिक को, किस तरीके से काम करेंगे, क्या क्या विकास के काम होंगे, कौन से वार्ड से आप आते हैं? सर मैं जसवीर वाल्मीकि वार्ड 7 से नीलोखेड़ी। सर पहला प्रयास रहेगा अपना सबको साथ लेके चलने का, जो अपनी सरकारी योजनाएं हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती सबसे प्राथमिकता पहली होगी कि सरकारी योजनाओं को हर जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और बाकी तो भाई साहब ने कहा है जो वार्ड 19 से विनोद कुमार जी हैं कि समय समय पर बहुत लंबा सिस्टम है, ये एक निचली इकाई है, पहली इकाई है जो राजनीति की, पंचायती राज पहली इकाई है, तो ये पहली इकाई के नाते प्रतिनिधि होने के नाते हम प्रयास करेंगे कि सारा जो समूलतया अपना सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके इसकी प्रार्थना। उम्मीद है कि गांव की गलियां बनेंगी, सड़कें बनेंगी, सफाई का काम होगा, कौन से वार्ड से आप आते हैं, क्या क्या विकास के काम होने वाले हैं? मैं वार्ड नंबर 3 से हूं, सचिन बुढ़नपुर। जो भी जिला परिषद के काम होंगे, गली चौपाल, जैसे मैं पिछली बार भी वार्ड नंबर 1 से मेंबर था जिला परिषद का, अब की बार वार्ड 3 से बना हूं, तो मैं जो भी किसानों की बात हो या गरीब जनता की बात हो सभी 36 बरादरी को। ये बदलना क्यों पड़ा आपको? मैं किसी राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ, ना मेरे पिताजी राजनीतिक में थे ना मेरे बाबा जी। मैं आगे बढ़ने के लिए पहले एक वार्ड से मेंबर बना, 30 गांव उसमें थे और 30 ही अगले गांव मैंने कवर किए। हमारे साथ एक और जिला परिषद के मेंबर हैं जो चुने गए हैं। सर आपका नाम, कौन से वार्ड से आप आते हैं और क्या क्या वहां पर मुद्दे हैं जिन्हें आप पूरा करने वाले हैं, विकास करने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं चैनल देख रहे सभी को मेरी राम राम। मैं कुलदीप मंडाण गढ़ी बिरबल वार्ड 1 से पार्षद बनकर आया हूँ, 36 बरादरी का सांझा उम्मीदवार था और मेरा स्लोगन था चुनाव में पहले ही, नेता नहीं बेटा। अब बनकर मैं नेता नहीं एक बेटा बनकर एक सेवक बनकर पूरा सेवा करने का काम करूँ पूरे 5 साल। जो भी समस्याएं मेरे वादे थे कच्चे और पक्के करने के, गली नाली जो भी गरीब मजदूर कोई भी मेरे कागज पर लेकर दे उन सब ना मैं चंडीगढ़ मोहन उड़ाने काम करूंगा, मैं सब सेवा करने का काम करूँ सेवक के रूप में। उम्मीद है कि मीडिया के सामने, प्रशासन के सामने, सरकार के सामने जो शपथ तमाम मेंबर्स ने ली है उन पर ये खरा उतरेंगे और जन जन की समस्याओं का समाधान करेंगे, विकास के काम करेंगे, लोगों को परेशानी नहीं आने देंगे और जनता इनके कामकाज से खुश होगी। खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।